नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अनामिका। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। राजधानी पटना से एक साथ दो दो बड़ी आपराधिक वारदातों की खबर आ रही है। राजधानी पटना में सुबह सुबह हुए दो शूटआउट की घटनाओं को लेकर लोग दहशत में हैं। पटना के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी है। खबर के मुताबिक अपराधियों ने कंकड़बाग थाना इलाके में एक युवक को घर में घुसकर गोली मार दी है। बीच बचाव के दौरान जब युवक की बहन आई तो बहन पर भी अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है। अपराधी वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। दोनों भाई बहन को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दूसरी वारदात पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में हुई है। बाढ़ थाना के बाजार समिति के पास घात लगाए अपराधियों ने गुरुवार को सुबह सुबह दो लोगों को गोली मार दी है। गोली मारकर गोलीबारी की इस घटना में जहां वीरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं तावा तोड़ फायरिंग के दौरान साइकिल से जा रहे एक राहगीर को भी गोली लग गई। गोलीबारी में दो लोग घायल हुए जिनको गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र कुमार सहरी पंचायत के वार्ड सदस्य के पति हैं। अहले सुबह हुई गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।